नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का संपर्क टूटने से हमारा मनोबल कमजोर नहीं बल्कि और हुआ है मजबूत। श्री मोदी ने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि और अदम्य साहस पर पूरा देश है गौरवान्वित। सारण जिले के दिघवारा थाना के एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को ट्रक चालक से रुपए वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन 7 नवंबर को, 9 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा आवेदन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का भूकेंद्र के साथ संपर्क टूट जाने से हम कमजोर नहीं हुए बल्कि इससे हमारा मनोबल और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से संपर्क टूटने के कुछ घंटे बाद बेंगलुरु में इसरो केंद्र से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शों में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए हैं, लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उभरा है और अद्भुत कार्य किए हैं। हमें पीछे मुड़कर निराश नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आनंदित होने के अनेक अवसर आएंगे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम यह कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत से बहुत कुछ सिखाया भी। जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे, तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश की। इससे पहले कल आधी रात को चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही धरती से संपर्क टूट गया था। बेंगलुरु में इसरो के नियंत्रण केंद्र ने बताया कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित 2.1 किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी, इसके बाद उसका धरती से संपर्क टूट गया। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लैंडर से उनका संपर्क टूट गया है। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई और उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसरो वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश को इसरो पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश कड़ी मेहनत करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरा देश इसरो की टीम के साथ है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने पहले भी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। सारण जिले के दिघवारा थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को ट्रक चालक से रुपए वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान उन्होंने एएसआई बैजू शर्मा और सैप के 3 जवानों को मैथन चौक के पास ट्रक चालकों से रुपए वसूलते पकड़ा था। उन्होंने बताया कि इन सभी पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महाराजगंज में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात एएसआई अर्जुन प्रसाद, एक वाहन चालक और सैप के 2 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। कल देर रात ड्यूटी के वक्त ये सभी पुलिसकर्मी पुलिस वाहन में सोते हुए पाए गए थे। दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब होने की खबर के बाद छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। मौके से पुलिस ने लगभग 500 बोतल शराब के साथ एक जीप को जब्त किया है। वहीं बेगूसराय पुलिस ने मुफस्सिल थाना के मोहन एगू गांव से एक ट्रक से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की 490 कार्टन शराब जब्त की है।
बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन 7 नवंबर को होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि आवेदन करने की तिथि 9 सितंबर से 18 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इसके तहत 7 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि कंप्यूटर साइंस में आवेदन करने वालों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक के लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वर्ग 9 और 10 के लिए 25,270 और उच्च माध्यमिक के लिए 12,065 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के अनुरूप ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वैशाली जिले के सराय बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 8 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि कंपनी का कर्मचारी अपने एक सहयोगी के साथ पैसा जमा करने बैंक जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीबीआई की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में सुपौल जिले के जदिया स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को 1 वर्ष कारावास के साथ 2,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी प्रबंधक सीताराम रजक को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में यह सजा सुनाई गयी। दरभंगा रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पीट पर खड़ी दरभंगा अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग जाने से करोड़ों रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को इसी तरह की एक घटना में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी जलकर नष्ट हो गई थी। समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों ही घटनाओं में शरारती तत्वों का हाथ है। उन्होंने कहा कि यार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि 20 सितंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अक्टूबर माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पूर्व मध्य रेलवे देश भर में सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला रेल मंडल बन गया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अगस्त माह में 1588 करोड़ रूपये आय हुई है। शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। डुब्बा घाट में नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं पिपराही प्रखंड के बेलवा नरकटिया के पास सड़क के ऊपर से पानी के बहाव के कारण शिवहर से मोतिहारी के बीच आवागमन बाधित हो गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पक्षियों में होने वाले घातक रोग एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 यानी बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 3 सितंबर को भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया था। दरभंगा जिले के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के सभागार में 2 दिवसीय मैथिली लघु फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। मैथिली फिल्म अकादमी के तत्वावधान में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में 5 लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का संपर्क टूटने से हमारा मनोबल कमजोर नहीं बल्कि और हुआ है मजबूत। श्री मोदी ने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि और अदम्य साहस पर पूरा देश है गौरवान्वित। सारण जिले के दिगवारा थाना के एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को ट्रक चालक से रुपए वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन 7 नवंबर को 9 सितंबर से 18 सितंबर तक होगा आवेदन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।